सीएम शिवराज के निर्देश पर गुना में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां दो गांवों में हैंडपंप से शराब निकलती हुई दिखाई दी। जब इनके नीचे खुदाई की गई तो पुलिस को शराब से भरी टंकियां मिली। पुलिस को जानकारी मिली थी कि जिले के कुछ गांवों में अवैध शराब बनाई जा रही है, जिसे लेकर पुलिस ने गांव में दबिश दी और पाया कि गांव में दो हैंडपंप से पानी की जगह शराब निकल रही थी। जब पुलिस ने हैंडपंप के नीचे खुदाई की तो उन्हें शराब से भरी टंकियां मिली। ये टंकियां जमीन में करीब 7 फीट तक धसी हुई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब नष्ट की है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अरे सर अभी भरा जाएगी वो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।